प्रिय छात्रों, मैं मिकेश सर डीआई के आज दूसरे सेशन में आपके लिए एक नया प्रश्न पाई चार्ट का लेकर आया हूँ। जो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन हम लोग एग्जाम में कैसे जल्द से जल्द बना सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हुए जो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया है उसे हम लोग पढ़ेंगे। कहता है कि द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपेयरिंग इन IIT एग्जामिनेशन From different state in two successive year, the total number of students appearing 2001 and 2002 was 250,000 and 240,000 respectively. पहला ग्राफ 2001 का है जिसमें आपको सारे अलग अलग जहाँ स्टेट से लड़के लोग आए हैं उनका दिया हुआ है, और दूसरे में 2002 का डाटा है। 2001 में 2.5 लाख बच्चे जो है अपेयर हुए थे और 2002 में 240,000। पहला क्वेश्चन है, इन द केस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वी गेट टू द सी द मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट अपेयरिंग इन 2001 टू दैट ऑफ 2002। आपको यह बताना है कि सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो कहाँ दिख रहा है 2001 और 2002 में। देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर कुछ चीज़ों को ध्यान में रखें तो सबसे पहला चीज़ ये है कि यह जो दोनों में अंतर है ये ज़्यादा नहीं है, ये 10,000 का ही अंतर है यहाँ पर दोनों साल के जो स्टूडेंट्स अपीयर उनमें। इसका इम्पैक्ट आपको तब पता चलेगा जैसे अब क्या होगा कि हर का आपको 2002 और 2001 में निकाल कर देखना पड़ेगा 2001 से 2 में कि कहाँ पर जो डिफरेंस है वो मैक्सिमम है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये होता है ना कि आप देखो कि किस में जो है अंतर सबसे ज़्यादा डिफरेंसेस कहाँ पर है। तो जैसे देखो वेस्ट बंगाल में 20% से कितना हुआ 23%। ऑब्वियसली ये 20% है, ये 23% है, लमसम में चूंकि 10,000 घाटा भी है लेकिन इसका परसेंटेज बढ़ गया है तो ये मेकअप कर जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं रेस्ट में कि ये 19% है जो कि आपका 2002 में 13% हो गया। यहाँ पर जो डिफरेंसेस है वो थोड़ा सा अधिक है किस में, तो पहला वाले में। दूसरा आपको यहाँ पर है TN में ये 16% है और ये 4% है। देखो ये UP में 12% है, ये 18% है। तो UP में जो डिफरेंस है देखो 12%, अगर हम ऐसे भी देखें तो आप 250,000 का 12% लगभग 30,000 और 240,000 का 18% तो हो जाएगा आपको कितना 20% ही ले लेंगे तो लगभग 48,000 जो डिफरेंसेस है वो यहाँ पर आपको ज़्यादा मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग कुछ बना के चेक कर लेंगे। जैसे हम लोग पहले रेस्ट का निकाल लेते हैं। देखो रेस्ट में अगर हम लोग चेक करें तो 19% यानी 250,000 का 19% और ये कितना हो जाएगा, हम लोग इस तरह से कर सकते हैं 19 चलो 20 ले लो तो लगभग 50,000 के आसपास। ठीक है, कितना आ गया 50,000 आ गया। अगर ये 20% होता तो 2.5 लाख का 20% जो होता है वो 50,000 हो जाता है। 50,000 से 1,000-2,000 कम होगा अप्रॉक्स में हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ कर लिया। अब यही चीज़ अगर हम लोग 2,40,000 का 13% देखते हैं तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आप लेके चलोगे तो कितना हो जाएगा, ये काफ़ी कम हो जाएगा। जैसे 13 13 4 52 का 2 हाथ में रहा 5, 13 2 26 26 5 31, लमसम में 31,200 के आसपास ही आता है। फिर आप नेक्स्ट जब जब जाएंगे तो देखेंगे अगला जो हमारा था वो मैंने आपको बुलाया कि आप एक TN को चेक कर लो। तो TN में जब आप चेक करेंगे तो TN में आपको जो चेक करेंगे तो वो कितना आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। TN हो गया 16% यानी 2.5 लाख का 16%। तो 2.5 लाख का 16% तो 16 5 80 हाथ में रह गया 8 और 16 2 32 8 लगभग 40,000 हो जाएगा ये। और उसी तरह से अगले साल में अगर हम लोग जाते हैं तो ये 240,000 है तो 240,000 का 12%, 240,000 का 12% हो जाएगा आपको 12 2 12 4 48 48 का हो जाएगा आपको 8 हाथ में रह गया 2 24 और 2 यानी ये हो जाता है 28,800। अब देखो यहाँ पर जो डिफरेंसेस है वो है लगभग में 20,000 का। अगर आप इसको 49 भी ले लेते हो तो लगभग 49 भी अगर हम ले लें तो कितना हो जाएगा 18,000 के आसपास का डिफरेंस है अप्रॉक्स। दूसरा यहाँ पर जो हम देख रहे हैं तो यहाँ पर जो डिफरेंस है ये 12,000 के आसपास का है, ये भी अप्रॉक्स डेफिनेटली मैं बोल रहा हूँ आप इसको ध्यान में रखिएगा। एक तीसरा हम ट्राई कर सकते हैं वो है कौन सा, तो यूपी का।
तो यूपी में देखो 2,50,000 का अगर हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे, 2,50,000 का 12% ये होता है 30,000, और यूपी में ही 2,40,000 का कितना हो जाएगा 18%। तो 2,40,000 का 18% जो होगा वो आप इसको कैलकुलेट करिए, आपको मिलेगा कितना, तो 43,200। अब जी जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, 13,200 का। तो सबसे बड़ा डिफरेंस कहाँ आपको दिख रहा है, तो ये जो सबसे बड़ा डिफरेंस दिख रहा है वो रेस्ट में दिख रहा है, तो आपका जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, वो रेस्ट हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं अगले प्रश्न में, और अब अगले प्रश्न में हम लोग देखेंगे कि इसे हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए अगला प्रश्न है आपका, नेक्स्ट कहता है द नंबर ऑफ स्टूडेंट अपेयरिंग फ्रॉम बिहार, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपेयरिंग फ्रॉम बिहार इन 2002 वाज व्हाट परसेंट ऑफ दैट ऑफ बंगाल इन 2001। 2001 में बंगाल में जितने भी बच्चे अपीयर हुए उनका कितना प्रतिशत है बिहार में 2002 में हुए छात्रों का जो संख्या है। आप देखो एक चीज़ यहाँ पर देखो, हम लोगों ने क्या लिखा कि जो बिहार में 2002 में अपीयर हुए वाज व्हाट परसेंट ऑफ दैट ऑफ बिहार WB इन 2000, व्हाट परसेंट यानी बंगाल में जितने भी बच्चे अपीयर हुए 2001 में का व्हाट परसेंट यानी इज इक्वल टू बिहार 2002। ये एक आपका फंडा फॉर्मूला टाइप का बन जाता है, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना होता है ये जो वर्ड यूज़ करता है ना, व्हाट परसेंट ऑफ कितना प्रतिशत है, तो हम लोग इसको इसी तरह से लिख लेते हैं। आप इस तरह से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं कि देखो 2.5 लाख का वेस्ट बंगाल में जो है वो है 2001 में 20%, 2.5 लाख का 20% अभी मैंने आपको बताया था कितना 50,000, तो हम लोग 50,000 और गुना एक्स परसेंट बराबर बिहार 2002, तो बिहार में 2002 में कितना है 20% है, तो 2,40,000 का 20% कितना हो जाएगा भाई मेरे, 48,000 हो जाएगा। तो 48,000 होगा, आप काट सकते हो तो इस तरह से काट दो, 3 शून्य इधर का कटेगा, 3 शून्य इधर का कटेगा। सिंपली आप ऐसे भी सोच सकते हो ये 50 वो 96 लगभग 96% हो जाएगा, यानी अगर हमको परसेंटेज निकालना हो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 4,800 डिवाइडेड बाय 50, जब आप भागा लगाओगे तो आपको 96 आएगा, यानी आपका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 196%। तो इस तरह से हम लोग इसे बहुत ही आराम से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं, सवाल नंबर 3 आपके सामने है, आप देख रहे हैं जैसे इसमें आपको दिया हुआ है द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपेयरिंग फ्रॉम बिहार एंड यूपी टुगेदर इन 2001 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू दैट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्टेट्स इन 2002। अब देखो बिहार और यूपी टुगेदर इन 2001, तो बिहार और यूपी टुगेदर इन 2001 कितना, तो 18% प्लस 12% यानी हो जाता है 30%। 30% करने का मतलब 2,50,000 का 30% कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा होता है 75,000। तो 75,000 यह बराबर है किसके, तो यहाँ पर आपको जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी 75,000 आने के लिए जैसे आपको 2,40,000 है, तो 2,40,000 का यानी कि अगर हम लोग 30% करते हैं तो 2,40,000 का 30% होता है 72, ठीक है 72,000, तो यानी कि 30% से ये थोड़ा अधिक होना चाहिए। एग्जैक्टली कितना अधिक होना चाहिए इसके लिए आपको क्या होगा कि कैलकुलेट करना पड़ेगा कि भाई देखो 2,40,000 का कितना प्रतिशत होता है 75,000, तो 75,000 में आपको निकालना पड़ेगा, 2,40,000 से भागा दे दोगे तो तुम्हारा जो है परसेंटेज निकल जाएगा लगभग 31-32% के आसपास जो है होना चाहिए, क्योंकि आपसे इसने पूछा भी है क्या अप्रॉक्सीमेटली, तो आप देखो कि 31 का जोड़ कहाँ आता है या 32 का जोड़ कहाँ आता है। अगर रेस्ट और बिहार देखें तो 33%, यूपी और दिल्ली देखेंगे तो हो जाएगा 32%, यहाँ पर ये लमसम में आ सकता है, यानी बिहार और रेस्ट से ये ज़्यादा बेहतर होगा कि हम लोग दिल्ली और यूपी ले लें, नहीं तो इसके अलावा बाकी आप ऑप्शन एक ये TN और एक बिहार भी है, यहाँ पर भी आपका क्या आ रहा है 32 आ रहा है, तो आप चलो इसमें ऑप्शन में देखो क्या TN और बिहार, हम जैसे यहाँ पर लिख देते हैं समझने के लिए कि क्या होना चाहिए, तो बिहार प्लस एक तमिलनाडु या यूपी प्लस दिल्ली, क्योंकि यहीं पर आपका जो है 32% आ रहा है, तो 32% हम लोग देख लेते हैं
यूपी और दिल्ली नहीं है, यूपी और दिल्ली है ऑप्शन नंबर 5 में, तो ये हो जाएगा क्योंकि बिहार आपके ऑप्शन में है नहीं, सबसे लोएस्ट परसेंटेज जो है वो यहीं पर आएगा। इस प्रकार से ये प्रश्न नंबर 3 जो है वो आपका पूरा हुआ। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न में हम लोग देखेंगे, लिखता कहता है इफ देर आर 30,000 स्टूडेंट्स अपेयरिंग इन द एग्जामिनेशन फ्रॉम दिल्ली इन 2002। देखो दिल्ली से 2002 में अपेयर होने वाले स्टूडेंट्स की संख्या जो है वो कितनी है, 30,000 है। तो दिल्ली कितना हो गया, 30,000। फाइंड द परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट अपेयरिंग फ्रॉम दिल्ली इन 2002। अब जैसे अगर ये कह रहा है कि अगर दिल्ली से अपेयर होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, 30,000 है, कब, 2002 में, तो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सॉरी, फाइंड द परसेंटेज नंबर ऑफ स्टूडेंट अपेयरिंग फ्रॉम दिल्ली इन 2002। ऑब्वियसली अब देखो ये जो है ना, ये 30,000 अगर से तो दिया हुआ था आपको कितना, ये 14% दिया हुआ था। अगर हम लोग 2,14,000 का, 2,14,000, 40,000 का 14% निकालेंगे तो 14 चक 56 का 6, हाथ मेरा 5, 14 दूनी 28, 28 5, 28 5 33, 3,000, 33,600 होना चाहिए, जबकि ये क्या कर रहा है, ये 30,000 है। तो जब ये 30,000 है तो अब आपको ये सोचना होगा कि भाई पर नंबर ऑफ कितना होगा। ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, आपका नंबर ऑफ परसेंटेज गिर जाएगा। तो कैसे गिरेगा, तो हम लोग यहाँ पर ये याद निकाल सकते हैं कि 2,40,000 का कितना प्रतिशत होगा, कितना, तो 30,000। अब हम लोग इस तरह से निकालेंगे, तो 3 0 यहाँ, 3 से 9 ऊपर, ऊपर ये कट गया, 1 0 ऊपर, 1 0 नीचे, ये कट जाएगा। अगर आप 3 से इसको काटिएगा तो ये भी आपका कट जाएगा, कितने बार में, तो यहाँ से हम एक बार फिर से ले लेते हैं, ऐसे 8 बार में आपका ये चला जाएगा, 3 से ये 8 बार में, 8 ऊपर है, नीचे 10 है, अब ये आपका और कटेगा क्या, सॉरी 30,000 था ना, 1 0 यहाँ पर कम हो गया है। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि एक्स बराबर कितना हो जाएगा, तो 100/8, यानी लगभग 12.5%। तो 12.5% तो आपके ऑप्शन में है नहीं, तो हमारा आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर इस प्रश्न को भी देखा। अब आइए हम लोग, सब्सक्राइब करें मिकेश सिन्हा रीजनिंग गुरु चैनल को, और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल बटन दबाएं।